अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म्स एंड प्रोटेक्शंस पार्ट नंबर 9। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एमएस वर्ड फॉर्म एंड फॉर्म प्रोटेक्शन। तो जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है और ये टेबल में मैंने एक फॉर्म बनाया है, तो मैं ये आप लोगों को बताऊँगा किस तरह हम इस टाइप का एक फॉर्म बना सकते हैं और उसको कैसे हम प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, कैसे उसको पासवर्ड देंगे ताकि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह ना हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक टैब शो हो रही है डेवलपर। ये स्टैंडर्ड टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो ये मोस्टली यहाँ पर शो नहीं होती, ये एक्टिव करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास ये एक्टिव ना हो तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर जाएँ फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर देखें ऑप्शंस, ऑप्शन में जाने के बाद आप चले जाएं यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे। तो जैसे आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक डेवलपर नाम की टैब शो होगी, ठीक है ना, मेन टैब यहाँ से ये डेवलपर। तो अगर आपके पास ये एक्टिव हो तो ठीक है, अगर एक्टिव ना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर दें तो आपके पास ये टैब यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल में बना, तो हमारे पास कितनी रोज एंड कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखे हैं टेबल, तो मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ। टेबल पे जाने के बाद देखें 2 कॉलम है, तो हमारे पास ये कितनी रो होगी, 6 रो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कॉलम को इसके लेवल पर ले जाता हूँ, ठीक है। इसके लेवल पर ले जाने के बाद यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद सिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर है यस नो ऑप्शन, तो फिर इसके बाद है क्लोथ साइज, ठीक है। तो ये है रेडियो बटन, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर्म बनाएं। बनाने के बाद यहाँ पे आप देखें, अगर आपको ये थीम्स फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर लें, साइज चेंज करना है, बोल्ड करना है, जो भी आपने करना, तो यहाँ से आप करने के बाद फिर आप क्या करें, आप जाएं यहाँ पे डेवलपर पे। डेवलपर पे जाने के बाद देखें यहाँ पे ये कंट्रोल दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रहा है डिज़ाइन मोड, तो डिज़ाइन मोड पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है प्लेन टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह क्लिक आ टैप हेयर टू इंटर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद आप चले जाएं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे दे रहा है टाइटल। तो टाइटल हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, टैग भी हमारे पास फर्स्ट नेम है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें या यहाँ पे लिख लें टैब। तो उसके बाद यहाँ पे है कलर, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दें ओके। ओके जैसे आपने किया तो ये देखें ये टाइटल एंड टैग देना शुरू कर दिया। तो ये पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास, मैं चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम लिखना चाहता हूँ अपना मोहम्मद, तो ये शो हो गया, ठीक है। अगर इसको ख़त्म करूँगा तो ये फिर उसी तरह फर्स्ट नेम देगा, ताकि आप अपना नेम लिख सकें जो भी आपके पास यहाँ पर टाइटल होगा। इसी तरह ही लास्ट नेम सेम, उसी तरह डिज़ाइन मोड, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे जाएं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहाँ पे आप लिख दें लास्ट नेम। टैग पे भी आप लास्ट नेम लिख दें, ओके कर दें। फिर इसी को आप पूरे को सिलेक्ट करें, यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। फिर डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर दें, ठीक है।
लास्ट नेम आ गया। फिर उसके बाद है हमारे पास सिटी, सिटी के लिए सेम उसी तरह डिज़ाइन मोड। और इसके बाद यहाँ पे देखें मेरे पास है कॉम्बो बॉक्स, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये दे रहा है चूज एंड आइटम्स, यहाँ पे आप आइटम्स रख सकते हैं सिटी, फॉर एग्जांपल जो भी आपके सिटी का नेम होगा, आप यहाँ पे 2, 3, 4 सिटीज को ऐड कर दें तो जो जो आपका सिटी का नेम होगा आप उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। या अगर आपके पास कोई यहाँ पे कोई और चीज़ हो, डिपार्टमेंट हो या कोई और चीज़ हो या कोई आइटम्स हो तो उसी का नेम आप यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप चूज़ कर लें जो भी आपको चाहिए हो। ठीक है, तो मैं सेम इस तरह प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, सिटी नेम, टैग भी सिटी नेम है। सेम उस तरह अगर आप कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ओके कर दें। यहाँ पे मैं ये पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेम देता हूँ सिटी नेम। ठीक है, तो इसके बाद आप फिर चले जाएं प्रॉपर्टीज पे। अगर जब आप टाइटल नेम दे रहे थे या टैग नेम दे रहे थे तो उसी टाइम भी आप इसी को यहाँ पे चूज एन आइटम, आप यहाँ पे आइटम दे सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में देना चाहें तो बाद में दे लें। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नेम है फॉर एग्जांपल लाहौर, ओके, मुल्तान, ओके, फिर कराची। तो इस तरह आप सिटीज के नेम ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई आइटम हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह नेम, फिर उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आप फिर उस तरह डिज़ाइन मोड पे क्लिक करें तो देखें आपके पास सिटी नेम जो आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप सिटी नेम ले सकते हैं। ठीक है, लाहौर, मुल्तान, कराची। फिर उसके बाद हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर उस तरह डिज़ाइन मोड, और यहाँ पे देखें ये दे रहा है डेट पिकर, यहाँ से आप डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टैग पे भी ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे नीचे देखें दे रहा है कि आपको किस टाइप की डेट चाहिए, मंथ, डे, ईयर चाहिए, या आपको इस तरह का चाहिए डे, मंथ और डे एंड ईयर। ठीक है, जो आपको चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। नीचे भी ऑप्शन दे रहा है कि आपको कैलेंडर किस टाइप का चाहिए, यहाँ पे आपको ये डेट एंड टाइम किस टाइप का चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, डेट चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये टाइटल एंड टैग आ गया, तो इसको मैं इस तरह चेंज कर देता हूँ, सेम उस तरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास डेट ऑफ बर्थ जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको जो आगे वाला मंथ चाहिए हो, बैक चाहिए हो, तो यहाँ से आप ये टुडे, टुडे चाहिए तो आज वाला। ठीक है, तो इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह डेट ऑफ बर्थ आ गई। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो और पीछे ले जाऊँ, जो भी चाहिए मैं यहाँ से डेट ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद है मेरे पास यस एंड नो का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह पे कोई चीज़ चाहिए, यस करना या नो करना, तो फिर उसी तरह डिज़ाइन मोड पे जाएं और यहाँ पे दे रहा है ये चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह मेरे पास एक चेक बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे दे रहा है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो मैं यस नो रखना चाहता हूँ, यस, फॉर एग्जांपल पहले को यस रखना चाहता हूँ, यस। और यहाँ पे दे रहा है चेक सिंबल। ठीक है, चेक के लिए क्या सिंबल रखना चाहते हैं, अगर आप नो रखना चाहते हैं तो नो के लिए आप क्या सिंबल रखना चाहते हैं, यहाँ से आप सिंबल चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको सिंबल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह ही आप अनचेक के लिए भी आप ले सकते हैं जो भी आपको सिंबल चाहिए। तो मैं यस के लिए सेम ही रहने देता हूँ जो सिंबल मेरे पास चल रही है। तो इस तरह देखें ये टाइटल एंड टैग आ गया, तो मैं आता हूँ यहाँ पे इसको यस दे देता हूँ नेम। ठीक है,
ठीक है, डिज़ाइन मोड पे दोबारा क्लिक कर दिया। अब मैं आता हूँ नो की तरफ, फिर उस तरह डिज़ाइन मोड सेम चेकबॉक्स, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज, इसको नो कर देता हूँ, इसको भी नो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अनचेक पे आप चेंज करना चाहते हैं सिंबल, तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद मैं इसका नेम दे देता हूँ नो। ठीक है, तो डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आपको यस चाहिए तो इस तरह आप यस पे क्लिक करें, अगर आपको यस नहीं चाहिए, नो पे चाहिए, तो आप नो पे क्लिक करके इस तरह आप चेकबुक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एक रेडियो बटन है जिसमें आप साइज वगैरह किसी चीज़ का आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है क्लोथ साइज, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम उस तरह डिज़ाइन मोड पे जाता हूँ। तो डिज़ाइन मोड के बाद यहाँ पे देखिए ये है लेगेसी टूल्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे दे रहा है ये ऑप्शन बटन, ये इसको कहते हैं रेडियो बटन। ठीक है, ये जो गोल इस टाइप का हो, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन बटन आ गया। तो सेम उस तरह ही मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद देखें यहाँ पे ये दे रहा है नेम ऑप्शन बटन। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन दें, फिर उसके बाद है यहाँ पे कैप्शन, यहाँ पे आप कैप्शन दें और यहाँ पे ग्रुप नेम दें। ठीक है, तो मेरे पास क्लोथ साइज है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर ये सेम स्मॉल मीडियम लार्ज मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इंटर है। तो मैं इसको 1, 2, 3 इस तरह नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपने स्पेस के बगैर लिखना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्लोथ साइज 1। ठीक है, और यहाँ पे कैप्शन पे है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, साइज 1, एस 1 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल साइज 1। फिर उसके बाद है नीचे मेरे पास ग्रुप नेम, तो ये क्या है क्लोथ साइज। ठीक है, तो इसको भी मैं एस 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी एस 1। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि सेम नेम अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, सेम नेम नहीं चलेगा यहाँ पे इस टाइप का। तो इसके बाद फिर सेकंड पे दोबारा फिर जाएं डिज़ाइन मोड पे और यहाँ पे फिर क्लिक करें रेडियो बटन। ठीक है, इसका मैं नेम रख देता हूँ सेम उस तरह क्लोथ साइज, क्लोथ साइज मीडियम 1। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पे कैप्शन, तो कैप्शन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M1, मीडियम 1 फॉर एग्जांपल, और नीचे मेरे पास है ग्रुप नेम क्लोथ साइज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरह छोटा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और फिर दोबारा चले जाएं यहाँ पे, फिर उस तरह ही रेडियो बटन पे। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ लार्ज क्लोथ साइज, क्लोथ साइज लार्ज 1, L1। ठीक है, और कैप्शन पे यहाँ पे L1 लार्ज 1, ग्रुप नेम सेम उस तरह क्लोथ साइज। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन मोड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास देखे यहाँ पे S1, M1 एंड L1 आ गया। ये जो रो थोड़ी सी छोटी है तो इसको मैं ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें अगर मुझे S1 चाहिए तो मैं S1 पे क्लिक कर दूंगा साइज, अगर M1 चाहिए तो M1 पे क्लिक कर दूंगा, अगर L1 पे चाहिए तो L1 पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मोहम्मद, सेकंड नेम आसिफ। ठीक है, सिटी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाहौर कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो मुझे चाहिए मैं यहाँ से कोई भी ले गए। ठीक है, मैं इस तरह डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, यस
ऑप्शन मेरे पास अगर कोई यस का या नो का ऑप्शन है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लोथ साइज फॉर एग्जांपल मेरे पास लार्ज है, L1 है तो यहाँ पे मैं, या मीडियम है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह आप फॉर्म बना सकते हैं। ये डेवलपर ऑप्शन को ओके करें और ओके करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से आप लेके इस तरह एक फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे प्रोटेक्शन दें। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्म आपने बनाया तो आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी हैं ये कोई चेंज ना कर सके, जस्ट यहाँ पे नेम वगैरह चेंज हो और सिटी, डेट ऑफ बर्थ, यस नो या साइज वगैरह जो भी आपने फॉर्म बनाया, तो उस टाइप में सिर्फ आप नेम वगैरह ये चीज़ें आप चेंज कर सके, बाकी चीज़ों को आप को दूसरा बंदा उसको चेंज ना कर सके। तो ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सेम उस तरह ही डेवलपर पे जाएं और डेवलपर पे जाने के बाद यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फॉर्मेटिंग और उसके बाद एडिटिंग, तो हमें एडिटिंग चाहिए। ठीक है, ताकि ये इसमें कोई एडिटिंग वगैरह ना हो सके, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है फिलिंग इन फॉर्म्स, ठीक है, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म्स, नो चेंजेस, रीड ओनली। ठीक है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ फिलिंग इन फॉर्म, जस्ट फिल कर सके, बाकी चीज़ें चेंज ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे दे रहा है स्टार्ट, यहाँ पे यस स्टार्ट, तो यस पे क्लिक करें प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं जैसे इस पर मैंने यस किया तो यहाँ पे दे रहा है इंटर पासवर्ड, तो मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3, तो ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके कर दिया तो देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इस पर क्लिक करूँगा चेंज नहीं कर सकता, जस्ट मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। देखें मैं नेम चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो भी मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, नेम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं काशिफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये लाहौर को मैं मुल्तान कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूँ, यस नो कर सकता हूँ, ये बाकी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो जस्ट ये चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, ये बाकी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर्म को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाए तो उसके लिए फिर स्टॉप प्रोटेक्शन, सेम उस तरह अपना पासवर्ड दें और आपके पास दोबारा ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म एंड प्रोटेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।